नमस्कार। इंक्लूजन का अगर कुछ जीवंत उदाहरण देखना हो तो कृष्ण के जीवन में झांकना चाहिए। कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हर किसी को खुद में समाया था। उनके दोस्त, कई दोस्त दिव्यांग थे। एक बच्चा था जो कि सही तरीके से चल नहीं पाता, तो कृष्ण कहां उसको रखते? उसको बिल्कुल द्वार के पास रखते या खिड़की के पास रखते, जहां वो देखता और इशारे करता जब कोई आने लगता कमरे की तरफ, जहां कृष्ण और उनके बाकी के मित्र माखन चोरी कर रहे थे। उनका एक मित्र था जो कि सही तरीके से बात नहीं कर पाता, स्पष्ट बात नहीं कर पाता। कृष्ण उसके कंधे पर सवार हो जाते और माखन की हंडिया तक हाथ पहुंचाते। दूसरा उदाहरण जो कि एक तरह की अतिशयोक्ति है, लेकिन जो बात कहनी चाह रहे हैं इंक्लूसिवनेस की वो कही जाती है, वो होता है जब माँ यशोदा कृष्ण का कान पकड़ती और बोलती, करे तू मिट्टी खा रहा था, अभी मुंह खोल। कृष्ण मुंह खोलते हैं और पूरा ब्रह्मांड, हर चीज उनके मुंह के अंदर दिखता है। यानी कि उनमें और किसी भी चीज में कोई अंतर नहीं है। इंक्लूसिवनेस का, इंक्लूसिवनेस की पराकाष्ठा। तीसरा उदाहरण महाभारत जैसे युद्ध में ये बोलकर बैठ जाते हैं कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो अर्जुन की तरफ हो जाते हैं और अर्जुन का सारथी बनना कबूल करते हैं। यानी कि महाभारत जैसे भीषण युद्ध में निशस्त्र, बिना किसी शस्त्र के बैठते हैं और युद्ध को दिशा दे जाते हैं, क्योंकि बड़े आश्वस्त थे अंदर कि उनमें और बाकी चीज में कोई फर्क नहीं है, तो मरने मारने की तो कोई बात ही नहीं, मृत्यु का कोई भय नहीं। इंक्लूसिवनेस का उदाहरण इससे बेहतर और बड़े तरीके से कहीं नहीं दिखा जा सकता। ये हैं कृष्ण और उनके मित्र। धन्यवाद।